हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो कल हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी जॉब सेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज थी उस पर आपने क्वेश्चन किया, वीडियो देखा आपने, कुछ क्वेश्चन लगाते रहिए, पूछते रहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक यही है, दो दिन चल लगेगा इसमें। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सेट का क्या एप्लीकेशन है ये हमें देखना है। वो देखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों की, कुछ रिजल्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो रिजल्ट्स हमारे सामने उसी प्रकार से लिखे हुए हैं। क्या है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी कोई थ्री सेट्स, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंटेड सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये रिजल्ट है, एक दो तीन चार, देयर आर फोर वेरिएबल्स। तो इन फोर वेरिएबल्स को कंटेन करने वाला एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, किसी एक का वैल्यू निकालना होगा आपको, बाकी तीन की वैल्यू पता होनी पड़ेगी। बाकी तीन की वैल्यू मतलब आपको हो सकता है कि एन ए बताओ, एन बी बताओ, एन ए बी बताओ, तो आप ये निकालोगे। या फिर आपको एन ऑफ ए यूनियन बी बताओ, एन ए बताओ, एन बी बताओ, तो आप ये निकाल सकते हो। या फिर ये पता हो, एन बी पता हो, ये पता हो, एन ए निकाल सकते हो, है। ये आपका रिजल्ट है। इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ आप कर सकते हो वेन डायग्राम से। ट्राई करिएगा एक बार, समझना अगर ठीक है तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एक बार सोचते हैं थोड़ा, मान लो सेट ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट मतलब क्या, कि उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई आता है, इंटी आता है। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ये बताइए, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप इस चीज़ को अगर इस रिजल्ट में ओवरऑल इंक्लूड करेंगे तो क्या पाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस जीरो। वही रिजल्ट आपका मिल गया है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा एन ए प्लस एन बी, यदि ए और बी जो है आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी को थोड़ा सा क्या किया गया है, टीम सेट के लिए ले लिया गया है। टीम सेट्स का यूनियन हो, ए यूनियन बी यूनियन सी में लाइक करने वाले एलिमेंट सेक्शन क्या है, तो वो आएगी आपके लिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये याद रखिएगा, तीनों का सम और फिर दो दो का पेयर लेकर इंटरसेक्शन, दैट इज ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन और फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है। प्लस क्या हो रहा है, ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन मेल आई करने वाले एलिमेंट्स वो प्लस हो रहा है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। इसका प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा इसके अगर क्लियर गेट हम जानते हैं तो इससे हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे करेंगे, पहले आप लोग घर में ट्राई करिएगा, प्रूफ कर रहे वेन डायग्राम से। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमने स्टार बनाया हुआ है, ये आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है कल का ही। डिफरेंट ऑफ टू सेट्स आपका डिलीट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और उसकी प्रॉपर्टीज भी डिलीट हो चुकी हैं। तो खैर फिर हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी क्या होगा, वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। या फिर ए माइनस बी को हम लोग कल पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी लिख रहे थे, उसको हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश बी। वैसे ए बी माइनस ए को ऐसे बोल सकते हैं, और ये क्या होगा बी माइनस ए, तो एम बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए माइनस बी है ए में से माइनस हो रहा है, बी माइनस ए है तो बी में से माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर डैश लगा हुआ हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश लगा हुआ है, तो किसमें से माइनस हो रहा है, डैश के ऊपर से नहीं, जिस पर डैश नहीं लगा है उसमें से माइनस हो रहा है। क्या ए और बी का इंटरसेक्शन, ऐसे यहाँ पर ए डेल्टा बी मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, चूंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, जस्ट एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी
बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पर लिखे थे एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी क्या लिखे हैं एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ टू टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी बोल सकते हो। ओके कैसे ये काम कर रहा है, यहाँ से टू टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसको आप लिख दो बार लिख दो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कितना लिखा है हमने एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू टाइम्स में, इसको हमने दो बार लिख दिया है। इतना यहाँ पर क्या हो जाता एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाता और माइनस बचा हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। तो जो कुछ क्वेश्चन समझ लो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि ये चार वेरिएबल आपके पड़े हुए हैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, तो बाकी तीन का वैल्यू अगर पता होगा किसी भी चौथे का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एन ए दिया हुआ है 12, एन बी दिया हुआ है 13, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 5। आपको फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, बस फॉर्मूला है आपके सामने, ये फॉर्मूला लिखा हमने किया बात और पार्ट बनाया। दूसरा क्वेश्चन का ध्यान से समझिएगा एन ए 35 है एन बी 30 है और एन ऑफ यू बराबर 50, मतलब टोटल जिन पर सर्वे हो रहा है जिन लोगों पर उनकी टोटल संख्या कितनी है, क्योंकि कोई सेट ए है उसमें लाई करने वाले 35 लोग हैं, बी में लाई करने वाले 30 लोग हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है मैक्सिमम। और दूसरा बात पूछ रहा है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट ए यूनियन बी, ये भी क्वेश्चन होता है कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, वो भी निकालेंगे हम लोग कल क्लास में। पहले हम इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुरे क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी भी सेट के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या होता है आपका उन सब का सुपर सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा वाला सेट होता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो ए यूनियन बी जो कोई एक सेट आएगा वो भी सबसेट होगा ही यू का, क्योंकि यू यहाँ पर क्या 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 बोला गया है यूनिवर्सल सेट बोला गया है ये होगा। अगर ये इसका सबसेट है ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ए यूनियन बी में लाइक करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें लाइक करने वाले एलिमेंट से क्या होंगे कम ही होंगे, बहुत होंगे तो क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, बड़ा नहीं हो सकता। ओके दिस इंप्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी, अब इसकी संख्या कितनी है 50 है दिया हुआ लेसन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटेस्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो इसी स्टेटमेंट 1 से देख रहे हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू 50 आ रहा है, मतलब कि ए यूनियन बी में लाई करने वाले एलिमेंट्स की संख्या 50 से कम है, चाहे 50 है, इसका मतलब इससे क्या सेंस निकल गया है कि 50 से कम है चाहे 50 है, मतलब अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी 50 हो सकती है कम भी हो सकती है, बट अधिकतम की बात कर रहा है तो क्या होगी जस्ट 50 होगी। ओके अभी हमको क्या देखना था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे काम करते हैं इसको इक्वेशन और बना कर रखे हुए हैं तो 1 को फर्दर लेके चलते हैं। क्या है आपका 1 एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 50 आया हुआ है, बट यू नो दैट फॉर्मूला फॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बस हमने इसको इसका फॉर्मूला यहाँ ये इस प्रकार से लिख दिया लेस देन इक्वल टू 50, अब एन ए एन बी जो भी है कर दिया यहाँ पर एन ए 35 एन बी 30 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहा लेस देन इक्वल टू 50। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया क्या 35 प्लस 30 हो गया 65 और ये जो 50 है मैंने उसको उधर ट्रांसपोज कर दिया 65 प्लस 50 लेसन इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये कैसे आ गया इसको मैंने इधर ले जाया, तो जब इसको इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस हो गया, तो क्या हो रहा है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तरफ ये खुला हुआ इसका अमाउंट, मतलब दिस वन ग्रेटर दैन 50 इसको थोड़ा सा उलट लिख लिया इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इसी सिक्वल को पढ़ो
n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन में जो लाइक है वाला एलिमेंट है वो क्या है, 15 से ज्यादा है, यानी 15 है, 15 से ज्यादा है, तो सबसे कम वैल्यू क्या होगी n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, सबसे कम वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, यहां से आ रही है 15, चाहे 15 से ज्यादा है। अब आप यह मत समझिएगा कि यहां पर इक्वलिटी लगा हुआ है तो ही आप बोल पा रहे हो लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 50, अगर यहां पर इक्वलिटी सिंबल नहीं लगा होता तो भी इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या बोलते हैं, 50 बोलते हो सकती है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अलाउड देखेंगे क्वेश्चन इस पर, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।